तो अब हम बात कर लेते हैं करेक्टर स्केचेस ऑफ अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस के, बूढ़े आदमी के बारे में तो आपकी तो जो होता है ना, जो वहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए आया होता है उसके बारे में तो सारी आपको डिटेल्स जो है उसमें पता चल गई हैं, समरी मैंने जो इंग्लिश में आपको करवाई है। अब हम वहाँ पे दो वेटर थे ना, मैंने कहा कि आपसे कि इन पे जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट या इनके करेक्टर्स पर नोट आपको दिया जा सकता है पेपर में। तो ओल्डर वेटर था एक, तो लाइक द ओल्ड मैन द ओल्डर वेटर लाइक्स टू स्टे लेट एट कैफेज, यानी उस बुढ़े आदमी की तरह वो भी जो है ना वहाँ पे कैफे में जो है ना लेट नाइट तक रुकना चाहता है। ही अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन इज़ रिलक्टेंट टू गो होम एट नाइट, वो इस बात को भी समझता है कि यानी बूढ़ा आदमी जो है ना अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता रात में, यहाँ रात क्यों गुजारता है यहाँ पे। ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू द यंगर वेटर बाई सेइंग ही स्टेज अप बिकॉज ही लाइक्स इट, तो वो जो है ना उसकी वजाहत भी करता है, जो यंगर वेटर होता है ना उसको भी बताता है कि यानी ये इसको जो है ना ये जगह पसंद है इसलिए यहाँ पे रुकता है। बट द यंगर वेटर डिसमिसेस हिज, लेकिन वो उसकी बात से एग्री नहीं करता एंड सेज डैट द ओल्ड मैन इज़ लॉनली, और उसको कहता है कि ये बूढ़ा आदमी जो है ना तन्हाई का शिकार है। एंड इट बोथ द ओल्ड मैन एंड द ओल्डर वेटर आर लॉनली, बल्कि यानी वो ओल्ड मैन भी और ओल्डर वेटर दोनों ही जो है ना तन्हाई का शिकार होते हैं, इसलिए वो अपना वक्त जो है ज़्यादातर कैफे पर गुजारना चाहते हैं। द ओल्ड मैन लिव्स अलोन विद ओनली अ नीस टू लुक आफ्टर हिम, यानी बूढ़े आदमी की सिर्फ एक भतीजी है जिसके साथ वो रहता है जो उसका ख्याल रखती है। ही ड्रिंक्स अलोन लेट इन टू द नाइट गेटिंग ड्रंक इन कैफेज, इसलिए वो ज़्यादातर आते जो है ना यहाँ पे शराब नोशी में गुजार देते हैं कैफेज में आके। द ओल्ड वेटर टू इज़ लोनली, अब जो बूढ़ा वेटर है ना वो भी ये तन्हाई का शिकार है। ही लिव्स लोनली अलोन एंड मेक्स अ हैबिट ऑफ सेइंग और लेट रादर द गोइंग होम टू बेड, यानी वो उसको ये लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना अपना कैफे में गुजारे बजाय क्योंकि उसे लगता है कि घर जाके तो उसने अकेला है तो सो ही जाना है। अमलाइज सीम्स टू ग्रिप हिम, उसको लगता है कि उस पर जो है ना कोई जहनी बीमारी जो है असर कर रही है। दिस मिलाइज इज़ नॉट अ फेयर और ड्रेड, अब यानी ये जो है कोई खौफ की या डरने वाली बात नहीं है, बट एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, बस यानी उनको जो है ना एक शिकार एक इस सोच का शिकार हो जाते हैं कि यानी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बेकार है ज़िंदगी, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ वेयर एज अदर पीपल फाइंड मीनिंग एंड कम्फर्ट इन द रिलीजन, यानी ये उन लोगों के लिए है, यानी बाजू का यानी लोग होते हैं ना जब अपनी ज़िंदगी से उतार जाते हैं ना तो वो किसी मज़हब में जाके जो ना मतलब नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ लग जाते हैं, जैसे वो क्या उसे कहते हैं ये जो अक्सर दरबारों पे बैठे होते हैं ना मलंग, वो बन जाते हैं। द ओल्डर वेटर डिसमिसेस रिलीजन एज नॉट आर नथिंग, यानी वो कहता है कि यानी ये वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो बूढ़ा वेटर होता है ना वो रिजेक्ट कर देता है। ओल्डर वेटर फाइंड सोलेस ओनली इन अ क्लीन वेल लाइट कैफेज, वो कहता है कि बूढ़ा वेटर कहता है कि यानी मुझे जो सुकून है ना वो एक रोशन रोशनी वाली जो है ना खूबसूरत और साफ सुथरी जगह पे कैफे में आके मिलता है। दिस देयर लाइफ सीम्स टू मेक सेंस, यानी यहाँ की जो रोशनी है ना ये मुझे एक नई जिंदगी की उम्मीद देती है। द ओल्डर वेटर रिकॉग्नाइजेस हिमसेल्फ इन द ओल्ड मैन एंड सीज हिज ओन फ्यूचर, अब ओल्डर वेटर जो है ना उस ओल्ड मैन को जो है ना जानता है पहचानता है और उसको जो है ना उसमें अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है कि वो भी जो है ना जल्दी उसके जैसा बन जाएगा। ही स्टैंड्स अप फॉर द ओल्ड मैन अगेंस्ट द यंगर वेटर क्रिटिसिज्म, मतलब जब यंगर वेटर उसके बारे में बातें कर रहा होता है कि उसको मर जाना चाहिए, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो उसकी बातों पर जो है ना क्रिटिसिज्म करता है क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि यानी एक टाइम उस पर भी जो है ये वाला जल्द आने वाला है कि जब वो भी उसी कंडीशन में होगा। द ओल्ड मैन समटाइम्स लीव द कैफे विदाउट पेइंग, यानी बाद का ऐसा भी होता है कि जब उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है ना तो वो बगैर पे किए जो है ना चला जाता है। द ओल्डर वेटर इज़ अवेयर डैट ही इज़ नॉट यंग और कॉन्फिडेंट एंड ही नोज डैट ही मे वन डे बी जस्ट लाइक द ओल्ड मैन, बस अब उसको जो है ना यही जो है बात खाई जा रही होती है कि यानी वो जो है ना जल्दी ही उस बुढ़े आदमी की तरह हो जाएगा, अनवांटेड अलोन एंड इन डिस्पेयर। अल्टीमेटली द ओल्डर वेटर इज रिलक्टेंट टू क्लोज द कैफे, लेकिन जो ओल्डर वेटर होता है ना वो कैफे को बंद नहीं करना चाहता है। एज मच फॉर द ओल्ड मैन सेक फॉर एज फॉर हिज ओन बिकॉज सम डे ही विल नीड समवन टू कीप कैफे ओपन लेट फॉर हिम, यानी क्योंकि उसको ये लगता है कि यानी वो जो है वो उस बूढ़े आदमी को जो है ना इस कैफ़े की ज़रूरत है, इस कैफ़े की रोशनी की, इस शराब की जो है ना ज़रूरत है। तो वो कहता है कि यानी अगर आज मैं उसके लिए खोलूँगा तो कल मेरे पे भी तो ये टाइम आएगा ना, तो तभी कोई मेरे लिए जो है ना मेरे लिए भी इस तरह लेट नाइट तक कैफ़े खोलेगा। ये तो था ओल्डर वेटर, अब बात करते हैं यंगर वेटर की। डिस्कस द करेक्टर ऑफ द यंगर वेटर, द यंगर वेटर कॉन्ट सी बियॉन्ड हिमसेल्फ, यानी वो जो है ना अपनी सोच से परे नहीं देख सकता। ही रेडिली एडमिट्स डैट ही इज़ नॉट लॉनली एंड इज़ ईगर टू रिटर्न होम वेयर हिज वाइफ इज़ वेटिंग फॉर हिम, वो जो है ना वो उसको एक एक पल जो है ना वहाँ पे कैफे में गुजारना मुश्किल लग रहा होता है, वो बहुत बेचैन होता है कि कब अपने घर जाए अपने बीवी बच्चों से मिले। द यंगर वेटर इज इमेच्योर एंड ही सेज रूड थिंग्स टू ओल्ड मैन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्लोज हिज कैफे क्लोज द कैफे अर्ली, अब वो जो है ना उसके बारे में बहुत ही जो है ना अहमकाना बातें करता है या उसके पे तंज करता है उस बूढ़े आदमी पे क्योंकि वो ये चाहता है कि बस जल्दी से कैफे बंद कर दूँ मैं। अनलाइक द ओल्ड वेटर हु थिंक्स डीपली परहैप्स टू डीपली अबाउट लाइफ एंड दोज हु स्ट्रगल टू फेस इट, लेकिन जो बूढ़ा वेटर होता है वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि यानी ज़िंदगी जो है हर एक के लिए सेम नहीं होती, हर ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना कर रहे होते हैं और वो वहाँ से जो है ना भागने के लिए इसकेप लेने के लिए ऐसी जगहों पर आ जाते हैं। अनलाइक द ओल्ड वेटर हु थिंक्स
एंड द यंगर वेटर डेमोन्स्ट्रेट्स आर डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ इन जनरल, लेकिन वो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसकी सारी बातों को जो है रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ही सेज द ओल्ड मैन शुड हैव जस्ट गोन अहेड एंड किल्ड हिमसेल्फ, यानी वो उसको यहाँ तक कहता है कि नहीं, ये बूढ़े आदमी को जो है हमारी जान छोड़ देनी चाहिए और जाके ना मर जाना चाहिए। हैज़ रीजन टू लिव, जब उसके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं है। एंड हिज होल लाइफ इज अहेड ऑफ यू, उसकी जिंदगी पूरी उसके आगे पड़ी है। द यंगर वेटर इमर्स्ड इन हैप्पीनेस डज नॉट रियली अंडरस्टैंड दैट ही इज़ लकी। अब यंगर वेटर जो होता है ना, वो जो है अपनी उसकी ज़िंदगी जो है ना उसमें खुशियाँ होती हैं, उसमें लोग होते हैं, वो खुद को लकी महसूस करते हैं। एंड ही देयर फॉर हैज़ लिटिल कंपैशन, इसलिए उसके पास ना हमदर्दी की कमी होती है। और अंडरस्टैंडिंग फॉर दोज हु आर लॉन्ली एंड स्टिल सर्चिंग फॉर मीनिंग इन देयर लाइफ, यानी उन लोगों की फीलिंग्स को, उन लोगों के इमोशंस को वो नहीं समझ पाता जो कि तनहा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि ये एक प्रॉस्परस लाइफ बसर कर रहा होता है तो ये समझता है कि सबकी लाइफ जो है इसके जैसी ही होती है। ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ क्लीन बेलाइटेड प्लेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।